हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी टोमेटो सूप की रेसिपी, जो कि डिनर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो सूप बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टमाटर ले रही हूँ। इन तीनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था पानी में साफ़ करके मैं इनको यहाँ पर बॉइल्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी ले लिया है, इसमें मैं तीनों टमाटरों को बॉइल्ड करूँगी, लेकिन ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना है मुझे, इसे बस 5 मिनट के लिए बॉइल्ड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 स्पून जितना, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्टी बन जाता है ये सूप, खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ, जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पे एक 1 तेज़ पत्ता डाल रही हूँ। उसके बाद मैं छोटी बारीक कटी हुई प्याज ले रही हूँ, इसको हम सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट तक आप इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए। सॉटे करने के बाद हमारे जो टमाटर हैं, जब तक वो बॉइल्ड हो जाएंगे, तो चलिए हम अपने एक बार टमाटर चेक कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर मेरे यहाँ पर अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं, तो अब इन्हें मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो मैंने यहाँ टमाटरों को रफली चॉप कर लिया है, तो इन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें मैंने आधी से भी कम थोड़ी ग्रीन चिली भी ऐड की थी। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमारी सूप को। तो देखिए, 1 से 2 मिनट मैंने इनको अच्छे से सॉटे कर लिया। अब इसे आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा अगर आपको थोड़ा थिक लग रहा है तो। बस ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर मिक्सी का जार ले रही हूँ, मिक्सी के जार में इन्हें अच्छे से पीस देना है, बिल्कुल ग्राइंड कर देना है हमें इनको। इसके बाद मैं यहाँ पर उसी पैन में, मैंने उस पैन को साफ़ नहीं किया है, हम उसी पैन में वापस से अपना सूप डालेंगे। सूप में थोड़ा सा हमें पानी डालना है 1 बाउल के जितना, तो मैं यहाँ पर 1 बाउल पानी ले रही हूँ। तो मिक्सी के जार में मैं ये पानी लेके, जो भी थोड़ा बहुत हमारा सूप बचा है हुआ उसके अंदर, वो अच्छे से धुल के और इसमें हम डाल देंगे। तो इसको आप थोड़े से देर के लिए चलाते रहिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है, कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, लेकिन ये हमारे सूप को बहुत ही टेस्टी फ्लेवर दे देता है और थोड़ा थिक भी बनाता है, क्रीमी बनता है इसे। थोड़ा सा सॉल्ट ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है। बस थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर डाल दीजिए। अब आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही बॉईल करना है गैस पे, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। तो देखिए, सूप हमारा बिल्कुल रेडी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, एक हेल्दी वर्जन है हमारा डिनर के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको छान लूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको छान के पी सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही पसंद हो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे छान लिया है, तो देखिए हमारा हेल्दी सूप रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं आपके लिए ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।